क्या आप एरोप्लेन से यात्रा करते हैं? मान लीजिए कि अगर एरोप्लेन पे बिजली गिर जाए तो क्या होगा, चलिए जानते हैं। असल में जब भी किसी विमान या एरोप्लेन पर बिजली गिरती है तो वो उसकी ऊपरी परत से होती हुई गुजर जाती है। हालांकि इस दौरान विमान को झटका जरूर लगता है, लेकिन आसमानी बिजली कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका असर विमान के भीतर यानी कि एरोप्लेन के अंदर बैठे मुसाफिरों पर नहीं पड़ता, क्योंकि एरोप्लेन की परत जो है वो बिजली के गुजरने वाले मैटर से ही बनी होती है। इसके अलावा विमान के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और फ्यूल टैंक भी इसी तरह की सरफेस से प्रोटेक्टेड होते हैं, जो आसमानी बिजली को बेअसर कर देते हैं। इसीलिए अगर कभी भी विमान पर बिजली गिरती है तो इसका कोई भी असर पैसेंजर्स पर बिल्कुल नहीं पड़ता और विमान भी काफी हद तक सुरक्षित रहता है। गाइस, क्या आपने बिना पायलट और बिना पैसेंजर के भूतिया विमान उड़ने की खबर सुनी है? चलिए इस खबर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली ये रहस्यमय विमान नाटो के एक नहीं बल्कि 6-6 देशों के ऊपर से निकल गया। ये रहस्यमय विमान बुल्गारिया की सीमा में आने से पहले रोमानिया और हंगरी में घुस गया। इसके बाद ये विमान पोलैंड, स्लोवाकिया, बुल्गारिया और लुथियानिया की हवाई सीमा में चला गया। ये सब देख नाटो के दो देश रोमानिया और हंगरी अपने फाइटर जेट के साथ इस रहस्यमय विमान पर हमला करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस रहस्यमय विमान से कोई जवाब ना मिलने पर इस पर हमला नहीं कर पाए और उसका पीछा करने लगे। पर हैरानी की बात ये हुई कि जब ये विमान बुल्गारिया खेतों में मिला तब उसमें ना तो कोई पायलट मौजूद था और ना ही कोई पैसेंजर। बहरहाल कहा यह भी जा रहा है कि ये विमान बीच में हंगरी में भी लैंड हुआ था और तब उसमें करीब 5-6 लोग रिफ्यूलिंग के लिए उतरे थे, पर पुलिस के डर से भाग गए। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी था तो फिर ये विमान बुल्गारिया के खेतों में कैसे पहुंचा? वैसे गाइस, आप में से कोई है जो ये गुत्थी सुलझा पाए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।